हेलो एवरीवन, सो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। आज अपनी डिस्कस करने वाले हैं किसी भी संख्या का अगर आपको 5 से गुणा करना है, वो भी माइंड के अंदर, आप उसे कैसे कर सकते हैं, ये टारगेट करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास जो हमारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बहुत जल्द पहुंच सके। तो कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। कोई भी वैल्यू है अगर आपको उसके 5 से गुणा करना चाहते हो, वो भी माइंड में, आप वो जल्दी करना चाहते हो, सुपर फास्ट जो आपका मेथड है वो अपने टारगेट करने वाले हैं। अभी देखिएगा, जब नंबर्स की बात आती है तो यहां पर अपने कैटेगराइज कर लेंगे कि नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इवन नंबर, सम संख्या, और दूसरा आपका विषम यानी कि ओड नंबर। तो सबसे पहले हम इस फाइंड आउट करते हैं कि सम संख्या का आपको 5 से गुना कैसे करना है। तो सम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग जाता है। तो ट्रिक आपको आती है, बस आपको पता नहीं था, मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं कि ये ट्रिक आपको इस तरह से अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई संख्या देता हूं, नॉर्मल मिल गया 12 का जब 5 से गुना करते हो तो कितना आता है, 12 × 5 = 60। ये आपको पता हो। देन मैंने एक मूल वैल्यू ली 18 का जब मैंने 5 से गुणा किया तो 18 × 5 आपके पास कितना होता है, 90। या मैं अगर बात करूं 10 को जब मैं 5 गुना करता हूं तो कितना आता है हमारे पास, 50। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने ट्रिक कर ली है, सिर्फ मेरे को उस बात को बताना है। अब यहां पे देखिएगा ये बनी कैसे। 12 की अगर मैं बात करूं तो 12 का जस्ट हाफ किया गया है 6 और उसके आगे 0 लगाया गया है, दैट इज द ट्रिक। देखिएगा स्टूडेंट्स, 18 को अगर मैं आधा करूं तो कितना आया, 9, आगे 0 लगा दिया। 10 को मैंने आधा किया कितना आ गया, 5, तो आगे 0 लगा दिया। इसका यूज करके किसी भी सम संख्या का आप 5 से गुना माइंड में टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कुछ वैल्यूज लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वैल्यू क्या ली कि मुझे 64 × 5 करना है, मुझे 122 × 5 करना है, मुझे 312 × 5 करना है और मुझे 624 × 12 करना है, × 5 करना है। तो हमारे पास 111। मुझे क्या करना है, 64 का आधा करना है, 64 का अगर हाफ करोगे कितना है, 32 × 0। देन अगर आपको 122 का हाफ की बात करें तो दैट इज 61, 610 आपका रिक्वायर्ड आंसर। मुझे 312 का आधा करना है तो कितना होगा आपके पास, 156 और आपका 0, 1560। और मुझे 624 का आधा करना है तो कितना होगा, 312। That is your required solution कि अगर आप किसी भी संख्या का 5 से गुना करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने सम संख्या टारगेट किया, अब देखते हैं विषम संख्या का अगर आप 5 से जल्दी गुना करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि विषम संख्या का 5 से गुना कैसे करना है। विषम संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, उनका आपको 5 से गुना कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अपने जनरल लिख लेते हैं, 13 × 5 आपको पता होगा कितना होता है, 65। 15 × 5 अगर आप बात करो तो कितना होता है हमारे पास, 75। तो ये कैसे बना, मैं ट्रिक आपको आती है उसे सिर्फ गाइड कर रहा हूं। देखिए किया क्या हुआ है, 13 को एक कम किया हुआ कितना होता है, 12, और 12 का हाफ किया 6 और आगे क्या लगा दिया, 5। पीछे आप क्या कर रहे थे, जब सम संख्या कर रहे थे तो आप जस्ट हाफ करके 0 लगा रहे थे, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपको दे रखी है जिसका आपको 5 से गुणा करना है और वो आपकी विषम संख्या है तो उसे आपको एक कम करना है, आधा करना है और 5 लगाना है। वैसे ही यहां पर टारगेट किया गया, 15 को एक कम किया हो गया आपका 14, 14 का आधा किया 7 बाकी 5 लगा दिया, ये आपका विषम संख्या का 5 से गुणा है। और आप अब देखिएगा कैसे, कितनी फास्ट आप इन क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं, चंद सेकंडों के अंदर आप सीख सकते हो कि किसी भी संख्या का 5 से गुणा कैसे करना है। तो यहां देखिएगा कुछ वैल्यूज लेते हैं, हमारे पास यहां वैल्यू आई, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है 21 × 5, मुझे यहां पर करना है 37 × 5, मुझे यहां पर करना है 87 × 5 और मुझे यहां पर करना है 123 × 5। ये मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चल सकते हैं। तो देखिएगा इसे कम किया 20, 20 का आधा 10 और आगे 5, 37 को कम किया 36, 36 का आधा 18, लास्ट में 5, 87 से कम किया 86, 86 का आधा 43 और आगे 5, 123 से कम किया 122,
122 का आधा होता है 61 और आपका 5। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। काफी आसानी से आप इन ट्रिक्स को सीख सकते हैं और इस तरह की और भी वीडियोस मैं अपडेट कर रहा हूं और पहले भी बहुत सी वीडियोस मैंने ट्रिकी मैथ्स के अंदर डाल रखी हैं, तो इन कंप्लीट वीडियोस को आप देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ सुपर फास्ट हो जाए तो इन ट्रिक्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व कीजिए। थैंक यू।